नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इन्फेक्शन से निडर और इंजेक्शन से डर, कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। गांव में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला हुआ है, कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। एक तरफ लोग वैक्सीन से डर को लेकर बहाने बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अंधविश्वास के आयोजन में कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ रही। नहीं, क्यों नहीं लिया? पता नहीं, उसका भी नेगेटिव पॉइंट ज्यादा सुनने में आ रहा, इसलिए नहीं लिया। नहीं, मतलब क्या करेंगे लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या लेने का? नहीं लेना तो नहीं लेना। इंजेक्शन से डर लगता है, इन्फेक्शन से नहीं। शहर शहर, गांव गांव टीके पर अविश्वास का अंधेरा विश्वास के उजालों से कोसों दूर है। ये कह रहे हैं कि हमारी कोई तबीयत, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी कि आप लोग होंगे? डर रहे हैं सर। कगार में थे जब कोई नहीं आया, हमारे यहाँ 13 आदमी जब सही है, हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके हैं। गरीब आदमी है, नहीं करवाएंगे। इन्फेक्शन से निडर और इंजेक्शन को लेकर डर के बीच वाराणसी के एक गाँव से आई ये तस्वीरें डरा रही है। इस वीडियो को देखकर कौन कहेगा कि देश में कोरोना काल चल रहा है? सैकड़ों की भीड़ है, ढोल मजीरे के बीच जयकारा लग रहा है। कोई जमीन पर बैठा है तो कोई खाट पर, भीड़ के बीच कुछ लोग हवन कर रहे हैं। वहीं उपले जलाकर कड़ाही में कुछ उबाला जा रहा है। इन सब के बीच सबकी नजरें इस एक साधु बाबा पर टिकी हैं। जमीन तक गिरती जटाएं और हाथ में लाठी, वो बार बार कड़ाही में कुछ डालते नजर आते हैं। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर जुटी भीड़ को साधुवाद दिया जा रहा है। इस शांति के लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि आप पूजा में समर्पित भाव से खड़े हैं, श्रद्धावान श्रद्धानवत हैं आप। आपकी श्रद्धा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। माहौल पूरी तरह धार्मिक है। दूर दूर तक कोरोना नाम की उस महामारी का खौफ नहीं जिससे कुछ दिन पहले तक पूरा देश जूझ रहा था। ये तस्वीर वाराणसी के सटे सारनाथ के छाही गांव की है। बताया जाता है कि इलाके के ग्राम प्रधान ने पंचायत चुनाव जीतने के बाद मन्नत उतारने के लिए कड़ाह पूजन का आयोजन किया था। ये हमारे ग्राम प्रधान सर्वेश यादव जी को लोग माने हुए थे कि अगर प्रधान जी जीत जाएंगे तो हम अपना नाम पर कड़ाह पूजन करवाएंगे। वो भी जो भी जहाँ हुआ था, उस गाँव जगह का नाम है डी बाबा का मंदिर है, उस जगह हुआ था, वो भी ग्राम छाही सभा में है। आयोजन ग्राम प्रधान ने किया था और दूर दूर से लोग बुलाए गए थे। दूर दूर से हमारे इस पूजा में शामिल हुए सभी भाइयों का मैं अभिवादन करता हूं। हमारे विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान लोग आए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य आए हैं। आस्था के आगे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियों की तस्वीरें पहले भी यूपी के कई इलाकों से आ चुकी हैं। चाहे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के लिए जुटी भीड़ हो या वाराणसी संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, मगर ऐसी लापरवाही तब और गंभीर हो जाती है जब लोग टीका न लगवाने के बहाने बनाते हैं, उस पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, आखिर कैसे वो इन्फेक्शन से निडर इन लोगों के मन से इंजेक्शन का डर दूर करे। अहमदाबाद में गोपी घांघर, भोपाल में रविश पाल सिंह और वाराणसी में रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दूसरी लहर अभी अभी थमी है हमारे देश में और मुफ्त वैक्सीनेशन 21 जून से बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है। अब तक 3% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, मगर
कोरोना फैलने वाले आयोजन जो हैं वो बेधड़क होने लगे हैं। शहर शहर गांव गांव वैक्सीन न लगवाने के लिए अजीब गरीब लोग बहाने बना रहे हैं। ये महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। 5 जून को ही नाना पटोले का जन्मदिन था, मगर कार्यकर्ता ने उनके वाशिम आने के मौके पर उसे फिर से मनाने का फैसला किया। 58 किलो का केक काटने के दौरान जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने सोशल डिस्टेंसिंग को रौंद दिया। हद तो यह है कि नाना पटोले वाशिम में कोरोना के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। एक तरफ देश में उस वक्त कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, जब दूसरी लहर गई नहीं है, तो दूसरी तरफ टीके से डर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण से कहीं बड़ा संक्रमण टीके के भ्रम का है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के इस गांव में पहुंचे तो टीके के मुकाबले कबीर की शक्ति का गुणगान करने वाले ये महानुभाव मिल गए। मैं हम विनती विनती कुछ नहीं, हम तो ऊपर वाले से विनती कर रहे हैं। मैं तो कबीर भगवान का भक्त हूँ, मेरा बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जा पे राखे साइया मार सके तो न कोई एक दो टांग के इंसान मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। हाँ, मोदी दादा को बता देना, शिवराज बाबा को बता देना, आप मुख्यमंत्री है, वो प्राइम मिनिस्टर है, बहुत से जवान साथी हैं, ग्राम जोगली के मर गए हैं, तो ये मरने लायक नहीं थे। आप लोगों ने उनको जानबूझ को इंजेक्शन दिया और उनकी डेथ करवाई। इस आदिवासी बहुल गांव में टीके की बात करना मतलब दुश्मनी मोल लेने जैसा है। आस्था की दुहाई के बाद एक शख्स ऐसे मिले जिन्होंने लोकतंत्र का अमोघ अस्त्र ही चला दिया। उनको बता दियो कि गांव में एक भी वोट नहीं डालेंगे अब की साथ, नहीं ये बताओ उनको। हमको वोट वाली बात नहीं है, हमको ये बोला कि उनने 45 साल से 50 साल के अंदर वाले को टीका लगाने भेजा है। यहाँ पत्थर से पानी निकालना आसान है, बनिस्पत के किसी को टीका लगवाने के लिए राजी करना। हम कोरोना का टीका नहीं लगता, हमारा जंगलों में कोरोना नहीं है, नहीं है, नहीं है हमको। आप नहीं लगवाओगे टीका? नहीं लगाता। डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, मैं टीका नहीं लगाने वाला है, हमारा जंगला में टीका नहीं है। तुम्हारा ये सेठ सीट में क्या गंदे रहते है, आप लोग गंदे रहते, वो सब कीचड़ और वो मच्छर उन चापते, उसका लाने करना होता है, हमारे ये जंगल में करना नहीं सर। अब इसके आगे कहना ही क्या, मगर इसी गांव में कुछ घर ऐसे मिले जहां टीका लगाने वाली टीम के पहुंचते ही दरवाजे बंद हो गए। टीका लगाने के लिए बुलाने आए थे, ये एक आदिवासी बहुल गांव है और बैतूल जिले में आता है। 45 गांव बैतूल जिले के ऐसे हैं जहां पर कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। गांव छोड़िए, अहमदाबाद के जुहापुरा के मुस्लिम बहुल इलाके में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। अब एक मुस्लिम स्वयंसेवी संगठन ने इन्हें समझाने का बीड़ा उठाया है। नहीं मिलता हमको, हर चीज की परेशानी होती, तो हम लोग थोड़ा जागरूकता अभियान के, तो हम लोगों का डर टूटे, लोगों में तीव्रता आवे कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की, हमारे घर की, हम लोगों को अच्छा महसूस हो गए, आने वाले समय में कोरोना ना हो और अच्छे ढंग से कामगिरी दिखे, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। शहर काजी ने डिक्लेयर कर रहे अपने मुसलमानों में कि ये वैक्सीन हम ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इस्लाम पर। ये सांसद गिरिराज सिंह का इलाका है, बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में जब मिशन वैक्सीनेशन के तहत अधिकारी पहुंचे तो स्वागत लाठी डंडों से हुआ। दल बल के साथ पहुंचकर भी ये टीका लगवाने के लिए लोगों को राजी नहीं कर सके। क्या कोई दिक्कत है? हमारा दिक्कत तो सर कुछ नहीं है, नहीं मतलब कोई शंका है कि लेने से कुछ हो जाएगा इसीलिए नहीं ले रहे हैं। हाँ सर, हम क्यों नहीं ले? चार डॉक्टर आपको आए हुए हैं साथ में, आपका तबीयत खराब होगा तो कहाँ जाइएगा? डॉक्टर साहब हैं सर, बगल में सर छतनी में आपको शंका क्या है? क्यों नहीं ले रहे हैं? वही सब तो बंद भी आप बताइए ना, वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या शंका मन में बताइए, क्या दिक्कत है? अब अच्छी बात है, हमें कहते हैं हमें जाना। गांव में जहां एक तरफ रोजी रोटी की चिंता है तो वहीं पिछड़ेपन की जमीन पर पनपे भ्रम की जड़ें गहरी हो रही हैं। इन्हें महज ज्ञान विज्ञान की बातों से उखाड़ फेंकना मुश्किल हो रहा है। बेगूसराय में सौरभ कुमार, बैतूल में रवीश पाल सिंह और अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
शहरों में जहां कुछ ही लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है, तो गांवों में बीमारी कुछ ज्यादा ही फैल गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर महोबा जिले के कुछ इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने को बिल्कुल तैयार नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब गांव में वैक्सीन लगाने जाती है तो लोग मारपीट पर उतर आते हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो कई लोगों ने घर बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, बवाल तक हो गया। एक इलाका जहां टीका से लोग खौफ खाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी कोई तबीयत, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी कि आप लोग होंगे? डर रहे हैं सर। एक इलाका जहां टीका दहशत का दूसरा नाम है। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो कई लोगों ने घर बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, बवाल तक हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रम अभी भी लोगों के मन में मौजूद है। नहीं करवाएंगे। एक इलाका जहां वैक्सीन लगाना मना है। वैक्सीन के लगवाने के लिए आ गया तो कुछ नहीं, थोड़ा सा बहसबाजी हो गई तो पुलिस ने झापड़ मार दिया। पुलिस ने झापड़ मारने के बाद उनको भी गुस्सा आ गया तो अपना हथियार से था लेके, जो भी लाठी डंडा है कुल्हाड़ी वाड़ी लेके आ गए थे, वैसे में बवाल हो गया था। भैंसापाली गांव में आपका स्वागत है। ये 21वीं सदी के न्यू इंडिया का गांव है। देश ने तरक्की की, विज्ञान ने विकास किया, शिक्षा समृद्धि आगे बढ़ी, लेकिन बुंदेलखंड के इस इलाके में अब भी अज्ञानता का अंधकार है। अंधेरा इतना घना है कि टीके से अंधविश्वास का जिन्न आपको झांकता दिख जाएगा। बुंदेलखंड में ये हमीरपुर और जालौन जिले के बॉर्डर का भैंसापाली गांव है। ये गांव ऐसा है जहां से 3 बार स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव वालों ने खदेड़ दिया, ये कहकर कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम उसी गांव में पहुंचे हैं कि आखिर वैक्सीन को लेकर लोगों में इस भ्रम की स्थिति क्यों है, डर क्यों है, भय क्यों है? ज्यादातर लोग वैक्सीन से अब भी डर रहे हैं। लगभग 2500 से 3000 लोगों का ये गांव है और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ 38 लोगों ने अभी तक इस गांव में वैक्सीनेशन कराया है। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक जब इस गांव तक आए तो उनके सामने टीके पर अंधविश्वास की परतें खुलती चली गई। वो अवाक रह गए ये देखकर कि उनके गांव में आते ही खिड़कियां दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब भी स्वास्थ्य विभाग का दल यहां आया दहशत हदें तोड़ने लगी। जब मरने की कगार में थे तब कोई नहीं आया। हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके। आज जब सही है, हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके। दबा नहीं, गरीब आदमी है, 100-200 की दबा करा लो। नहीं करवाएंगे। सही है बंदा, जब बंदा कुछ खा रहा है वो कर रहा है, जब जांच करवा लूं। क्या करेंगे? 20 दिन पहले सही हो गया, बुखार सही हो गया, तब आप कुछ नहीं कर रहे। कैसे मान लेते हैं? फिर कैसे कह रहे हो किसी कुछ नहीं? नहीं बुखार था, अब सही हो गया, 13 आदमी की डेथ हो गई। जी हाँ, ये करीब 10 दिन पुराना वीडियो है जब टीका लगाने आई टीम को गांव वालों ने भागने पर मजबूर कर दिया। और अब भी इस मामले में स्थिति नहीं बदली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के आने की खबर सुनते ही लाठी डंडे फरसे बाहर निकल आते हैं। हालात देखिए, गांव की आबादी है 3000, सिर्फ 38 लोगों ने टीके लगवाए। लेकिन यहाँ के जमीनी हालात बता रहे हैं कि फिलहाल अंधविश्वास का बरगद हिलता नहीं दिख रहा। नाहिद अंसारी के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर। वैक्सीनेशन में गुजरात काफी आगे है, मगर अहमदाबाद के जोहापुरा में लोग वैक्सीन लगवाने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमारी संवाददाता गोपी घांगर जब कारण जानने वहां पर पहुंची तो सुनिए लोगों ने क्या क्या बहाने बनाए। अब पता नहीं, उसका भी नेगेटिव पॉइंट ज्यादा सुनने में आ रहा है, इसलिए नहीं लिया अभी। क्या सुना आपने?
क्या वैक्सीन लेने से मतलब आगे इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का डर, मतलब क्या कुछ भी बहुत सारी एक्सवाइजर बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम होने का डर है कि कुछ और बीमारी हो जाएगी इससे इन फ्यूचर, मतलब स्टेमिना नहीं रहेगा बाद में, ये सब चीजें है। तो अभी सोच रहा है इसका नेगेटिव पॉइंट ज्यादा सुनने में आ रहा है, पॉजिटिव कम है, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लेना है कि नहीं लेना है। वो नहीं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने वैक्सीन अब तक, क्यों नहीं लिया? नहीं मतलब क्या करेंगे लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या लेने का। लेकिन कोरोना होता है, जान जाती है, इतने लोग मरते हैं, फिर भी आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रही है? नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा है हमारे को, कुछ भी ना हो। लेकिन सरकार कह रही है वैक्सीन लीजिए, सुरक्षित रहेंगे आप। अल्लाह रखेगा सुरक्षित। नहीं लेना, ऐसे ही डर लगती है तो नहीं लिया। लेकिन डर किस बात का है आप? किस बात का भी नहीं है, वो तकलीफ होती है, कोई बोलता है कि एक सिल ले तो भी हो जाता है, नहीं ले तो भी हो जाता है, इसके लिए नहीं लेना ही नहीं अच्छा, नहीं लेगा तो अच्छा रहेगा। सरकार कहेगी तब भी नहीं लेंगी, सरकार कह रहे हैं सुरक्षित है वैक्सीन, कोरोना नहीं होता है। अब कोई कहता है कि डुप्लीकेट आता है, कोई कहता है कि ऐसा आता है, नहीं लेना तो नहीं लेना।